टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट्स और खेल जगत की खबरों के साथ मैं शुभम किशोर स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। आज ओलंपिक के पांचवें दिन बॉक्सिंग में लवलीना ने जर्मनी को 3-2 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। लवलीना से जुड़ी खास बात आपको बता दें, लवलीना सिर्फ 24 साल की हैं। उन्होंने असम के एक छोटे से गाँव से ओलंपिक तक का सफर तय किया है। 2 बार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी है लवलीना। असम की पहली बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वो अब मेडल से बस एक जीत की दूरी पर है। बात करें हॉकी की तो पुरुष टीम ने पुरानी हार से सबक लेते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। वहीं शूटिंग में 10 मीटर पिस्टल और राइफल मिक्स टीम को हार मिली। टेबल टेनिस में भारत की उम्मीदों का तगड़ा झटका लगा। भारत के कमल चीन के मालोंग से हार गए और तीसरे दौर में बाहर हो गए। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग शेट्टी ग्रुप ए के पुरुष डबल में तीसरे स्थान पर है, वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए। वहीं आज क्रिकेट फैंस के लिए 2 बुरी खबरें आई हैं। पहली ये कि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव निकले, और दूसरी ये कि कृणाल के पॉजिटिव पाए जाने की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को होने वाला दूसरा T20I स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड में 3 खिलाड़ियों के चोटिल हो जाने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर पृथ्वी शॉ और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड भेजा जा रहा है। सूर्य कुमार यादव को पहली बार टेस्ट टीम के लिए बुलावा मिला है। ये टेस्ट 4 अगस्त से शुरू हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ओलंपिक के ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in। चीयर फॉर इंडिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।